मैं पापा को शिकायत बता दूंगा, ठीक है? बस करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। और आज आपका भाई जल्दी उठ गया क्योंकि आज मेरा लास्ट पेपर है। और टाइम आपके सामने देख सकते हैं आप, टाइम क्या हो रहा है। टाइम हो रहा है 1:10। अरे 1:10 रहूँ ऐसा प्लीज यार भाई, कैमरा टाइम में बुरी हालत हो रही है मेरी। मेरी भी ऐसे ही हो रही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दिखा दे अपने आप को, मेरे बाल भी नहीं बनेगा चलने कैमरा। यार देखो गाइस, ये शर्म आ रही है कि भाई देखो, जो जैसा होता है वैसा ही दिखता है ना। क्यों डिलीट कर दिएगा? नहीं मेरा मुंह है, ऐसे ही मुंह है तो ऐसे ही आएगा। मैंने आपको बोला है ना डिलीट करना, समझ नहीं बेटा। एक्टिंग में तो आपने नहीं है, एक्टिंग में किए हो नहीं, डिलीट करें। मैं पापा को शिकायत बता दूंगा, ठीक है? बस करता हूं। तो गाइस मेरे ना यहां पे दाना हो गया है, रात को दाना हो गया था, अभी पेपर देने जा रहा हूं। और मैंने फैसला किया आज के बाद रोमेशा को हम नहीं लेंगे व्लॉग में। हां सही है, नाश्ता कर ले, नाश्ता बना दो। लेकिन बेटा अब आप व्लॉग में नहीं आओगी। आओगी भी नहीं, आओगी भी नहीं बेटा। तुम क्या समझ रही हो, इतना बोल रही हो, मैं कैमरा यूं करके घुमा दूंगा। अबे कैमरा भी नहीं घुमाऊंगा तुम्हारे पर, नाश्ते में भी आऊंगा तो अंडा दिखाऊंगा, तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। हाथ दिखा दूंगा, शक्ल नहीं दिखाऊंगा मैं तुम्हारी। गाइस आप लोग बताएं कि नहीं दिखाना ना इसको, क्योंकि नहीं यार ऐसे लोगों को नहीं दिखाना चाहिए। मतलब बहनें तो सपोर्टिव होती है, अपने भाइयों की साथ देती है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हो यार, देख रहे हो गाइस, तहरान को ज़रूरत नहीं है किसी की। तहरान इंडिपेंडेंट बंदा है। तो बस नाश्ता रेडी हो चुका है कि भाई का, आप देख सकते हैं, लेकिन हम भी दिखाएंगे। अरे अब लूंगा ही नहीं मैं आपको बेटा, आप मैं आपको लूंगा ही नहीं। हाँ गाइस इसको इंस्टाग्राम पे सब लोग अनफॉलो करें अभी, मैं बोल रहा हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ इसको अनफॉलो करें। हाँ हाँ सही बात है गाइस, ये अंडर मैप है। मंगनी के फंक्शन को लेकर से वही था, मैं रोमेशा को इसी वजह से नहीं लिया क्योंकि रोमेशा में बहुत ज्यादा खुद आना पसंद नहीं करती। गाइस ओवर एक्टिंग काटो, क्या कहते हैं 50 रुपए काटो ओवर एक्टिंग के। मतलब रोमेशा मेरे मेरे व्लॉग में नहीं आएगी। गाइस आप लोग बताएगा कौन किसको नहीं ले सकता और कौन किसको ले। अभी इस व्लॉग से अंदाजा लगा लें कि वो बेचारी कोशिश कर रही है आने की, और गाइस आदत मुसलसल बोले जा रही है मुसलसल, ताकि भाई यूं करके कैमरा घुमा दें, लेकिन भाई कैमरा घुमाएंगे ही नहीं। भाई रेडी हो चुका है और पेपर है मेरा। गाइस ये देखो, ये वो हरकतें कि लोग चाहते हैं कि मैं उनको ब्लॉग में ले लूं, अपनी आवाज़ को मेरे सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने के लिए ये गाने गा रही है ताकि लोग अट्रैक्ट हों इसकी आवाज़ से। आवाज़ सुनो गाइस, आवाज़ सुनो, चेहरे में क्या रखा है गाइस, चेहरा देखो इसका भाई। देखा गाइस, अब यार मतलब ऐसे करेगी तो फिर मैं क्यों लूंगा मैं ब्लॉग में। खैर टाइम बहुत शॉर्ट है, टाइम है मेरे पास सिर्फ 20 मिनट में मुझे कॉलेज पहुँचना है जहाँ का सेंटर लगा है। तो आज दिखाते हैं माहौल, क्लास में तो नहीं दिखा सकते क्योंकि फ़ोन में अपने दोस्त को बाहर दे दूंगा, लेकिन मैं वहाँ आपको दिखाऊंगा कि एटमॉस्फेयर क्या है और क्या नहीं है। सो मिलते हैं फिर वहीं जाके। मम्मा भी आ गई हैं वॉशरूम में, मम्मा से भी गुड विशेस वगैरह ले लेते हैं फिर ही निकलेंगे। निकल रहा हूँ मैं पेपर देने के लिए, ठीक है भाई? थैंक यू सो मच, तुम्हारा पेपर बहुत ज़बरदस्त करवाएगा। सी यू सून, टाटा बाय बाय। चलो भाई अल्लाह हाफिज़। सो फाइनली गाइस कॉलेज पहुंच चुका हूं और आज लास्ट पेपर है और आप लोगों की भरपूर दुआओं की ज़रूरत है, ठीक है मोहित भाई? जी जानी, बेस्ट ऑफ लक, लास्ट पेपर है आपका और अच्छा होना चाहिए इसी तरीके से जिस तरीके से आपने याद किए ना पेपर। बिल्कुल, फाइल मेरी ये लो भाई, थैंक यू सो मच। ये फ़ोन आपने अपने पास रखना है और ये फ़ोन मैं अपने पास रखूँ भाई? ये अलाउ नहीं है के अंदर? नहीं नहीं यार, पेपर के बाद लेता हूँ मैं। चलो ठीक, हो गया। ओ जानी आप आ गए क्या? पेपर कैसा हुआ है आपका? हाँ लास्ट था आज, और आज का पेपर इतना अच्छा हुआ है, आज कंप्यूटर का पेपर था और सबसे बेस्ट पेपर आज का हुआ है मेरा। चलो अच्छा हो गया। मेरा क्या तकरीबन सबका हुआ क्योंकि आपस में बहुत सारे दोस्त एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे कहीं ना कहीं, और तैयारी सबकी थी बहुत अच्छी से, लेकिन ये कि पेपर भी बहुत ईजी आया है, ये आप चेक कर सकते हो पेपर कितना ईजी आया है, बिल्कुल बहुत ईजी आया है। चलो चलते हैं अब क्योंकि जिम भी जाना है, फिर टाइम कम है, मुकाबला सेट हो चुका है, और ये कि बस देर किस बात की। आपका कैसा हुआ भाई पेपर?
पेपर आपके भाई का बहुत क्लासी हो गया, अब यहाँ से चलते हैं घर। भाई बाइक निकालो और चलो, मुझसे रहा नहीं जा रहा, बहुत घबराहट सी हो रही है। कुछ जूस वूस पीते हैं फिर जिम चलते हैं डायरेक्ट। चुका हूँ जिम, पहुँच चुका हूँ और बिना वक्त को जाया किए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। भाई जान ये बैग मेरा रखे हैं आप अपने पास, ये उतर नहीं रहा, ये बैग उतर गया है, ये बैग रखे हैं आप, इसमें मेरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सबको संभाल के रखना है। अच्छा गाइस वर्कआउट लगाते हैं शर्ट में ही, लाइट जलाओ यार, गाने लगाओ। इतना गुस्से में फाइनली गाइस मेरी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट, अब चलते हैं घर। फाइनली गाइस घर पहुंच चुका हूं, घर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब लोग, कहाँ हो सब लोग? अच्छा आपको तो मैं ब्लॉग में नहीं लूँगा भाई। गाइस देखो घर आया हूँ लेकिन किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। गाइस देखो ये मुंह चुपा रही है। गाइस इसको व्लॉग में वैसे भी लेना नहीं चाहता मैं, लेकिन अभी जानबूझ के देखें व्लॉग में आ रही है। मैंने कोई नहीं जानबूझ के आया। हाँ आप जानबूझ के आई हो। गाइस मैंने पार्ट नहीं लिया, मुझसे पूछने आई थी पेपर कैसा हुआ। भाई जब व्लॉग में नहीं आया तो क्यों पूछने आ रही हो मेरा पेपर कैसा हुआ है, है ना भाई? अभी मैं कुछ बोलूं? हाँ क्यों पूछा मैंने? क्यों पूछा? मैंने तेरी थी ना इसलिए। क्या मैंने पढ़ाया है ना आपको? एक क्वेश्चन क्या पढ़ा दिया गाइस? अब यार मतलब हद होती है भाई। अब छोटी बहन से मैंने किसी चीज़ का मशवरा ले लिया, नहीं आ रहा था मुझे समझ में, तो मैंने पूछ लिया। इसका मतलब ये थोड़ी कि अभी उस चीज़ को गाएगी कि मैंने पढ़ाया, मैंने मम्मा ये देखिए तो कोई बात ही नहीं हुई यार। तो उसने बताया था ना भैया, पूछा कैसा हुआ पेपर ही बताओ भाई। पेपर तो मेरा बहुत क्लासी हुआ है और आज का वाइट पेपर ऐसा था जो मैंने आधे घंटे पहले कंप्लीट कर दिया। क्योंकि हमने दुआएं की थी बेटा, हमने दुआएं की। चलो मैंने माना आप लोगों ने दुआएं की थी, आप गए हम दुआएं कर रहे हैं। यार आप तो बोलो ही मत मेरे व्लॉग, आप कुछ बोलो मत। गाइस इसको मत देखना, इसको इग्नोर करें भरपूर, इसको मत देखें गाइस आप लोग। इग्नोर करें मैं व्लॉग में नहीं लूंगा, मैंने कमिटमेंट। मम्मा इसके बाद यही डायलॉग रह गया कि मैं खुद नहीं आना चाहती। मैं आपकी भी गलत बात है ना, आपका भी कहना है। क्या बनेगी शादी में जब उनका डांस करने आते हैं ना, मस्त वाला घूम रहे थे हम पहनकर, वो लग रही है। देखो हमारे घर में एक हमारी सकीना। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, दुआ करना है मेरे लिए, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है। अपने रिजल्ट की भी दुआ कर रही है, उसका भी रिजल्ट आने वाला है। लेकिन अगर रिजल्ट आने वाला है सकीना, फिर देखो गाइस जो भी रिजल्ट आएगा ना, अगर सकीना A1 ग्रेड आएगी तो वो भी आपको पता चलेगा, और सकीना अगर सी ग्रेड आएगी, सी ग्रेड में कभी नहीं आ सकती सकीना, सी ग्रेड नहीं आ सकती क्योंकि वो मेरी बहन है। ओह रियली? लेकिन पढ़ती मैं खुद हूं, ये नहीं पढ़ाती। हां ये सो गाइस देखा है आप लोगों ने, इन लोगों ने व्लॉग में आने के लिए, इन लोग मैं लेना नहीं चाह रहा था, लेकिन जानबूझ के इन लोगों ने ये किया था कि मैं इनको व्लॉग में ले लूं, समझ रहे ना आप लोग। इन लोगों के क्यों ले रहे हैं इतना, इनको मजबूर नहीं किया हमने कैमरा घुमाने के लिए, कोई क्या हाथ घूम रहे हैं। हम्म, आप ही नमस्ते। हम्म, रियली आलू अंडे दे दो, शाबाश। मैं नमाज पढ़ गए, अभी आलू अंडे देने आएगी, देखिए आलू और एग निकाल दो। आलू और एग, आलू और एग, स्टॉप सेइंग टी इन एवरी सेंटेंस। अच्छी कटिंग करना और अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ मुझे यहाँ स्लैब पे पेश करना ताकि मैं सुकून से खाऊं। मैं फ्रेश होके आ रहा हूँ, तो मेरा आलू अंडे रेडी हो चुके हैं गाइस, और हम लोग ये खाते हैं। क्या हम लोग भी खाते हैं क्या? मतलब क्या गाइस भी खा रहे हैं? हम भी खा रहे हैं बताएं जरा, जवाब दें। ये वो लोग हैं जिनको मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन फिर वो ये हरकतें करते हैं आने के लिए। ये इसको कहते हैं खुशफहमी गाइस, इसको कहते हैं खुशफहमी। ऐसे नहीं करते बेटा, मैंने आपको लिया भाई नहीं है, देखो जान मुझे गर्दन आगे कर रही है। सकीना को तो मैं लूंगा, सकीना से मेरी दुश्मनी है ही नहीं। तो आपकी बहन से दुश्मनी क्यों है? मम्मा दुश्मनी हो गई है क्योंकि इसने बात ऐसी कर दी है, मैं व्लॉग में नहीं बोल सकता। छोटी बहन है, छोटी बहन है। हाँ टाइम चाहिए बेटा, मेरे सब्सक्राइबर ऐसे नहीं है, ये बात याद रखना। वो प्यार करते हैं मुझसे बहुत, सच्चा प्यार करते हैं। अच्छा मैं उनकी तरफ ऑनेस्ट हूँ, तो ऑब्वियसली बात है ऑनेस्ट है। मेरा गला है बहुत सुरीला, मेरी आवाज सुन के लोग हो जाते हैं मदहोश। मैं हूँ तयान, मैं हूँ बड़ा।
लेम लेम बातें आपका भी और मेरा भी दिमाग घुमाती रहेंगी, तो हम लोग इनको करेंगे इग्नोर, क्योंकि उन लोगों का काम है ऐसी बातें करना। हम लोग खाते हैं आलू अंडे और खाते कितनी हैं बस... बार खाते हैं कितनी बार दिन में पांच बार चाहिए बेटा, पांच बार बात बोल दी है लेकिन खाऊंगा एक बार, पांच बार नहीं खाता तुम्हारी तरह, एक टाइम पे एक चीज खाता हूँ। और खाते रहना चाहिए क्योंकि देखो अल्लाह ताला आपको देता है तो आप उसका खाना ही खाओ, जाहिर सी बात है, फजूल चीजें ना खाओ, खाना खाओ अच्छी चीजें खाओ लाइक दिस। गाइस मैगी भी खाना चाहिए कभी कभी, जब की तबीयत खराब हो तो आप मैगी भी खाया करो, सही है, हो गया सही है, अब तो खराब ही होगी बेटा, मैगी तोड़ो, चलो पुलाव बनाया है और मैं समझ रहा हूँ कि आज मेथी बनेगी, और मेथी कब बनेगी फिर? मैं नहीं बताऊंगा, मेथी तो थोड़ी है ना कल दोपहर के लिए। अच्छा कल दोपहर को मेथी बनेगी, आई लव अचार यार, मेरा फेवरेट, जल्दी ले आओ। तो फाइनली गाइस खाना मेरा लग चुका है और मैं खा रहा हूँ खाना, और खाना खाते खाते के उसी के साथ साथ हम लोग यहाँ करेंगे व्लॉग एंड, क्योंकि मेरा फेवरेट खाना आ चुका है, ये पुलाव मेरा फेवरेट है। पापा भी आ गए, अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम भाई। पापा सुबह से बिजी थे तो पापा और मेरी मुलाकात अभी हुई है, और खाना भी हमारा यहाँ मौजूद है। अब पापा से मुलाकात तब हुई है जब मैं व्लॉग एंड कर रहा हूँ तो खैर है, कोई मसला नहीं है, हाँ बाकी ये कि अब खाना खाते हैं और इस व्लॉग को हम लोग यहाँ एंड करते हैं। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिएगा, और जिसको खाना खाना है वो आ सकता है हमारे पास, माशाल्लाह हमारी सब फैमिली बैठ के खाना खा रही है। तो बस थैंक यू सो मच गाइस, पिछले व्लॉग पर आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, इस व्लॉग पर भी आपने प्यार देना है, और आपका भाई कल कराची आ रहा है तो न्यू एक्टिविटीज़ आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। लव यू गाइस, थैंक यू। It's your boy.